अगर हम बात करें अभी जो कमिंग इनटेक है वो नवंबर इनटेक है। नवंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर ओपन। ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस करें हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा। देर आर द थ्री प्रोसेस। पहला आपका एडमिशन प्रोसेस होगा जिसमें आपके एकेडमिक्स अवेलुएट होंगे और जिसमें ये देखा जाएगा कि आप कौन से स्टेट से हो। जैसे कि आप पंजाब एंड हरियाणा से हो तो हमें एज एन कंसल्टेंट हमें आपको ये बताना होगा कि आप पंजाब एंड हरियाणा से हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑफर लेटर का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर रिलीजिंग द ऑफर लेटर विद इन 2 or 3 days भी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हफ्ते 10 दिन भी लगा रही है ऑफर लेटर के लिए। तो जब आप एप्लीकेशन आपका जब ऑफर लेटर आ गया तो दूसरी रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है आपकी GTE। अब GTE में भी जैसे आप किसी भी जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो जितना आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से फंड्स एक्सेप्ट करती है। बिकॉज वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द यूनिवर्सिटीज़ और जब यूनिवर्सिटी से हम बात करते हैं तो उन लोगों का हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कुछ कुछ परसेंट एक्सेप्ट कर रही है। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि पंजाब एंड हरियाणा में 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर ही उनका एक बैकग्राउंड है, या तो एग्रीकल्चर होगा इनकम या फिर डेयरी फार्मिंग होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस भी है जिनकी जॉब्स भी है, तो जिनकी जॉब्स हैं वो अपनी ITR दिखा सकते हैं, जिनका बिजनेस है वो भी अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो उनके लिए आती है जिनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल एग्रीकल्चर का। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें एंट्री रिक्वायरमेंट देखने के साथ साथ आप GTE रिक्वायरमेंट भी अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें, या फिर आप मेरी टीम को कॉल कर रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें उनसे कि GTE रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, ये मेरी इनकम है, ये मेरा। ऐसा ना हो कि आपने ऑफर लेटर मंगवा दिया, ऑफर लेटर के बाद आपको लग रहा है ओ मेरी तो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर तो आ गई, स्कॉलरशिप भी मिल गई। बहुत बारी हमें स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ऐसी होती है कि स्टूडेंट के 90% है, IELTS में 7.5 है। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देते हुए आपके फंड्स बहुत कम, रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके फंड्स देखती हैं। तो वो क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन योर अकेडमिक्स दे विल गिव यू द स्कॉलरशिप, लेकिन जब वो आपके फंड्स जब वो आपकी इनकम देखते हैं तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन के जो रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर इनकम अप टू डेट नहीं हो। तो जिस दिन से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर आप उस दिन से ही अपनी फंडिंग की प्रिपरेशन साथ में कीजिए। तो अभी जैसे कि मैंने कहा नवंबर इनटेक अवेलेबल है, प्लस आप लोगों को अपडेट भी कुछ वीडियोस में आप देखोगे तो पिछली कुछ वीडियोस में अपडेट भी दिया गया है कि मे बी इंटरनेशनल कैपिंग आ सकती है ऑस्ट्रेलिया में। तो जब इंटरनेशनल कैपिंग आएगी हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, जब आपके पास फंडिंग इनकम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को जो इनकम की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 से 12 लाख के करीब होती है, यानी कि जिसमें आपका आप ITR दिखा सकते हैं, आप अपना इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं, आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेविंग्स की कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। अगर आपके अकाउंट में मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो रहती है 30 से 32 लाख, अगर आपके पास 30 से 32 लाख का अमाउंट नहीं है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल। अगर आपने कोई सेल कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो आपके पास उसके रेलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सो इस टाइम पे दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग द स्कॉलरशिप एज वेल। इस टाइम पे सामने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आई हैं जो कि पहले स्कॉलरशिप इतना नहीं पुश कर रही थी, बट नाउ दे आर गिविंग द स्कॉलरशिप बिकॉज उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि आने वाले टाइम में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं रह जाएंगी। तो जितना स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है उतना ही यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट को लेने में भी इंटरेस्ट है, तो दे आर ऑल्सो गिविंग द स्कॉलरशिप। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गॉट द 50% ऑफ द स्कॉलरशिप। 50% स्कॉलरशिप का ये हो गया कि आपका पूरा आधा जो कोर्स है वो बिल्कुल आपका फ्री में चला जाता है। 3 साल की बैचलर डिग्री है तो आपने सिर्फ 1.5 साल की फीस दी है, 1.5 साल तो बिल्कुल आपका फ्री में चला गया। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें, अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रूशल आने वाला है आने वाले टाइम पे।